अस्सलाम वालेकुम। सबाज बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह कैरी की चटनी बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ हमने तीन मीडियम साइज़ की कैरियाँ ली हैं। ये खट्टी कैरियाँ हैं जो आजकल बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इन्हीं कैरियों का ही मौसम है। तो देखिए ये तीन कैरियाँ हैं और साथ ही हमने लेना है एक प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए और एक टीस्पून ज़ीरा, एक टीस्पून धनिया और नमक टेस्ट के हिसाब से। हरा धनिया लिया है हमने और साथ ही 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें हैं और 20 लहसुन हैं छीले हुए। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो सूखी लाल मिर्चें हैं उसके बीज निकाल लेंगे। इस तरह अगर बीज निकालेंगे तो ये मिर्चियाँ थोड़ी सी फीकी हो जाएंगी, अदरवाइज बीज की वजह से तेज़ हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैरियाँ हैं इनका हमने छिलका उतार लेना है। छिलका हमने उतार लिया, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए ये कट की हुई कैरियाँ हैं और कट की हुई प्याज है। एक कढ़ाई में आप आधा कप तेल गरम कीजिए और तेल गरम करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए ये कैरियाँ और प्याज। इन्हें आप फ्राई करना शुरू कीजिए और साथ ही आप इसमें डाल दीजिए सूखी लाल मिर्चें और लहसुन। सभी चीज़ों को एक साथ फ्राई कीजिए। देखिए रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चटनी होगी और इसी में हम अब डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, जो हमने आपको बताया था वो धनिया डाल देंगे और ज़ीरा भी ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को एक साथ फ्राई करेंगे। देखिए हमें प्याज को लाल नहीं करना है, याद रखिए, बस प्याज ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए। अब उसके फ्राई होने के बाद आप इसे ठंडा कीजिए और इसे मोटा मोटा पीस लीजिए। इसे बारीक पीसना नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। आप चाहें तो हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कीजिए बघारने के लिए और इसमें हाफ टी स्पून राई डाल दीजिए और हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दीजिए, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए और हाफ टी स्पून कलौंजी डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें ये चटनी डालिए और नमक टेस्ट के हिसाब से डालकर इसे थोड़ा सा पकाइए। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस का फ्लेम बंद कीजिए। ये हमारी कैरी की चटनी तैयार है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।